तो उसने कहा मैं किसी को भेज रहा था रिया जलाई की बात सुन लेता। तो सुनने के बाद मैंने फिर उनको फोन किया कि भाई साहब क्या हुआ उनकी बात का, भाई साहब को हमने भेजा था आपने सुना? तो कहा हाँ उन्होंने तो सुना लेकिन उन्होंने कोई समस्या बताया नहीं। और फिर अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पास तो आके बड़ी बड़ा समय हमारा ले गए। तो उसने उस अधिकारी ने कहा भाई साहब देखिए अभी आप मैं तो पूर्वांचल के लेकिन अभी राजनीति में आप अभी आए हैं, मैं बता दूँ आपको यहाँ के लोगों को घुमा फिरा कर बात करने की बड़ी आदत है, आपकी समस्या ये होगी। मैं बड़ा एक छोटा समझा लूँगा, आप जैसे कोई आएगा कि भाई हमारी भाभी जी शिक्षिका है और उनका ट्रांसफर फलानी जगह हो गया, उसको फलानी जगह करवा दें, बात इतनी सी होती है। लेकिन वो भाभी जी के नानी से शुरू करेंगे कि नानी उनकी कहाँ के थी, मामा कहाँ के थे, तो कहाँ उनके बुआ लोगों की शादी हुई, हमारे मौसी कहाँ की है, वहाँ से ला करके फिर भाभी जाए। वो जो थोड़ा बहुत ठीक है सुरभद्र भी आज गरीबी की चपेट में है, संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ खनिज संपदा कहें या बिजली के कारखाने बिजली उत्पादन के संयंत्र कहें और भी बड़ी चीज़ें थी तो भेजा उनका एक अपनी अपनी एक आभार कारपेट उद्योग भदोही और जो बचा है कारपेट उद्योग उसमें भी पहले की अपेक्षा आपका व्यापार आपका एक्सपोर्ट आपका बिजनेस आपका व्यापार कम हुआ। उस कमी के पीछे के कारण हमने कभी नहीं सोचा कि भाई ये उद्योग क्यों घट रहा है, तो इसलिए घट रहा है कि हमारे पास जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए कालीन उद्योग के लिए वो हम नहीं विजिट कर पाए, हमको सही समय पर बिजली नहीं मिलती है, सही समय पर एक्सपोर्ट की सब्सिडी नहीं मिलती है, सही समय पर हमको मार्केटिंग का या फंडिंग का या प्रमोशन का हमें उपाय नहीं मिलता है। लेकिन आपको और हमको बॉम्बे वैल्यू की आपको विद्या बॉम्बे वैल्यू की मित्रों आदत पड़ गई है, उसे हम समस्या बनते ही नहीं। मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है अलग अलग जिलों में जा कर के मैं लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 60 जिले अब तक हो चुके हैं, उनमें जा कर के लोगों की बातें सुनना, उनसे संवाद करना, किसानों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी भावनाएं समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उसी कड़ी में मैं कल से भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के ज़िलों की यात्रा पे हूं। कल भदोही में व्यापारियों से संवाद हुआ था, आज फिर उसके बाद कछवा में शाम को मिर्ज़ापुर में संवाद हुआ और आज यहाँ फिर से मिर्ज़ापुर में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद हुआ। यहाँ की जो पूर्वांचल की समस्याएं हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन्हें समझने का, उन्हें उनका समाधान लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उनका उनके उस दिशा में जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। सारी जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की सरकार है, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार है और उसी भावना के अनुरूप हम लोग जनता के साथ बैठ करके उनकी बातें सुनते हैं, सारी समस्याएं और सारा विकास के काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।